यह वीडियो आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। अगर मैं आपसे यह पूछूं कि जीनियस कौन है, तो आपके माइंड में सबसे पहला पर्सन वह आता है जो कि आपके स्कूल या फिर कॉलेज में टॉप करता है, लेकिन वह जीनियस नहीं है, बल्कि आप एक खुद जीनियस है। बस आपके अंदर यह ढूंढना है कि आप किस फील्ड में बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। अगर आपको किसी ऐसी वीडियो की तलाश थी जिसमें किसी डाइट या फिर जादू से आप इंस्टेंटली जीनियस बन जाएंगे, तो यह वीडियो आपके लिए नहीं है, बल्कि आज हम आपको कुछ ऐसे साइंटिफिक तरीके बताएंगे जिससे आप जीनियस बन सकते हैं। लेट्स बिगिन। नंबर 5, अलर्टनेस, उल्टे हाथों से ब्रश करना। यह ट्रिक आपको बहुत फनी लग रही होगी, लेकिन साइंटिफिक तरीके से देखा जाए तो जब सामान्य तौर पर इंसान उठता है और एक ही हाथ से ब्रश करता है, चाहे वह लेफ्ट हैंड से या फिर राइट हैंड से, लेकिन जब आप तुरंत उल्टे हाथों से ब्रश करने लगेंगे, यानी कि अगर राइट हैंड तो लेफ्ट हैंड से और लेफ्ट हैंड है तो राइट हैंड से, इससे आपके माइंड में नए नए न्यूरॉन्स बनेंगे, क्योंकि बेसिक हमारा माइंड दो टाइप में डिवाइड है, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड। जो भी हम दिन में काम करते हैं नॉर्मली, वह सब सबकॉन्शियस माइंड करता है। तो आपने कभी अपना नाम भूला है? नहीं, क्योंकि आपको हर कोई बुलाता है, इसीलिए आपको वह नाम आपके सबकॉन्शियस माइंड में जा चुका है, इसीलिए वह हमें लंबे समय तक याद रहता है। इसी तरह जब हम रोज एक ही हाथ से ब्रश करते हैं, तब हमारे सबकॉन्शियस माइंड को पता होता है कि क्या होने वाला है, लेकिन जब हम उल्टे हाथों से ब्रश करेंगे तब हमारा माइंड अलर्ट हो जाएगा और आप और क्रिएटिव बन जाएंगे। नंबर 4, मेडिटेशन। आपने अक्सर फील किया होगा कि जब भी आप काम करते हैं तो आपका दिमाग क्लियर नहीं होता है और ऐसा लगता है कि किसी ने आपके सर के ऊपर पहाड़ डाल दिया हो। इसके कई सारे रीजन हैं, जैसे कि ब्लड सर्कुलेशन को धीरे होना या फिर ऑक्सीजन की कमी। इसीलिए जब भी आप सुबह उठे तो 5 मिनट के लिए डीप ब्रीथिंग जरूर करें। गहरी सांस की वजह से आपके माइंड में ब्लड सर्कुलेशन तेज हो जाती है और ऑक्सीजन की कमी पूर्ति हो जाती है। वैसे तो हमारा दिमाग वेट के मामले में हमारे शरीर का केवल 2% होता है, लेकिन ये हमारे पूरे शरीर का 20% ऑक्सीजन लेता है। इसी की वजह से आपका दिमाग शाम तक एक्टिव रहता है और आपको हर चीज़ में बेटर परफॉर्म करने में हेल्प करता है। नंबर 3, वीडियो गेम। वैसे तो वीडियो गेम वही चीज़ है जिससे हमारे घरों में अक्सर डांट पड़ती रहती है, लेकिन आपको यह नहीं पता है कि वीडियो गेम खेलने से आपका दिमाग पर कितना प्रभाव पड़ता है। अगर आप कोई भी बैटल गेम खेलते हैं और यह डिसाइड कर लिए कि आज इस लेवल को पूरा करना ही है, तो आपका दिमाग उस चीज़ को करने के लिए फुल एनर्जी देगा, क्योंकि वह एक अटूट मकसद है। और दिमाग को शार्प करने के लिए भी कई सारे गेम आते हैं, जैसे कि चेस या फिर पजल सॉल्व करना। यह तो आपको पता ही है, कितनी भी नई मशीन हो, अगर वह बहुत दिनों से न चले तो उसको चलाने के लिए मेंटेनेंस करना ही पड़ता है। इसीलिए आप अपने दिमाग को अक्सर बूस्ट करते रहें चेस या फिर पजल को सॉल्व करके, इस तरह आपका दिमाग और शार्प बन जाएगा। नंबर 2, ब्रेक योर वर्क। अपने काम को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दो। वैसे जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं, उन लोगों में से ये एक आदत बहुत कॉमन रही है, वह बड़े से बड़े काम भी छोटे टुकड़ों में करके करते थे। इस तरह वह काम आसान हो जाता था, और नॉर्मल लोग यही नहीं करते। जब भी उन्हें बड़ा काम मिलता है, उन्हें वह बोझ की तरह लेते हैं और कहते हैं बाद में करेंगे। इसी कारण वह कार्य नहीं हो पाता। जैसे कि अगर आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ना है, तो सिलेबस के बजाय आप केवल एक चैप्टर पर ध्यान दीजिए और भूल जाइए कि उसके आगे भी कुछ पढ़ना है। और अगर आपको चैप्टर ही बड़ा लगे, तब आप केवल एक टॉपिक पर ध्यान दीजिए। इस तरह करके आपका बड़ा का बड़ा काम भी हो जाएगा। नंबर 1, विजुअलाइजेशन। सुबह से लेकर शाम तक आपके साथ जो भी घटना घटी, उसको एक बार सोने से पहले विजुअलाइज जरूर करें। लेकिन आज के समय में तो लोगों को यह भी नहीं याद होता कि वह सुबह क्या खाए थे, पर आप विजुअलाइज जरूर करना। इसे करने से आपका माइंड रिफ्रेश हो जाता है और नींद की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है। आप चाहे तो डायरी भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितने भी जीनियस लोग थे, जैसे अल्बर्ट आइंस्टाइन या फिर लियोनार्डो दा विंची, ये लोग अपने जीवन को डायरी में जरूर लिखे, चाहे उनके साथ अच्छी घटना घटे या बुरी घटना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।